दया का फल। बच्चों आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसका प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो कहानी की ओर आते हैं कि अरब देश में एक बादशाह राज्य करता था। इस देश में तो अरब देश में राजा बनने से पहले वह एक सिपाही था। जब वह राजा बनने वाला था तो उसके पहले वह सिपाही था। बादशाह का मतलब राजा, यानी राजाओं का राजा, बहुत बड़ा राजा या बादशाह। उसे शिकार का बहुत शौक था। वह सिपाही को शिकार करने का बहुत शौक था। जब भी समय मिलता वह शिकार के लिए निकल जाता था। तो वह शिकार के लिए शौकीन था। जब भी समय मिलता वह शिकार करने के लिए चल देता था। एक दिन शिकार की खोज में वह देर तक भटकता रहा। मैंने एक समय क्या है कि बहुत समय भटका लेकिन उसको शिकार नहीं मिल रहा था। जंगल में इधर से उधर भटक रहा था, लेकिन कोई भी जंगली जानवर दिखाई दे रहे थे और वह भटक रहा था। किंतु उसके हाथ कुछ न लगा। हाथ कुछ न लगा का मतलब है कुछ न मिल पाया, कोई जानवर नहीं मिल पाया, उसे किसी का शिकार नहीं किया। निराश होकर वह लौट रहा था। निराश का मतलब होता है जिसे कोई आशा न हो। निराश का मतलब जिसे कोई आशा न हो उसे निराश कहते हैं। तो निराश होकर वह लौट रहा था, वापस लौट रहा था जंगल तरफ से। तभी उसने देखा कि एक हिरनी अपने छोटे से बच्चे के पास बैठी उसे प्यार कर रही है। वह सिपाही क्या देखा कि एक हिरनी है, वह अपने छोटे से बच्चा के साथ प्यार दुलार कर रही है। देखिए यहाँ पर हिरनी है, उसके बच्चा प्यार दुलार कर रही है। यहाँ पे एक घोड़ा लेकर के आ रहा है सिपाही। सिपाही घोड़े से उतर गया। सिपाही जब उतर गया उसे पकड़ने के लिए, तो हिरनी तो आहट सुनकर झाड़ियों में छिप गई। आहट का मतलब होता है किसी के आने जाने, हिलने डुलने से होने वाली हल्की आवाज आहट होती है। तो सिपाही के घोड़े से उतरने पर जो आहट हुआ उसके कारण हिरनी तुरंत झाड़ियों में छिप गई। लेकिन हिरनी का छोटा सा बच्चा इतनी फुर्ती नहीं दिखा सका। फुर्ती का मतलब तेज गति से छिप नहीं सका। तो वह निर्भीक रहता था बच्चा, और जब तुरंत ऐसा किसी का आहट सुनाई दिया तो वह तुरंत फुर्ती नहीं दिखा सके। उसकी माँ तुरंत चौकन्ना रहती थी और तुरंत झाड़ियों में छिप गई। सिपाही उसके गले में रस्सी बांधकर घोड़े पर चल पड़ा। जब ऐसा हिरनी का बच्चा फुर्ती नहीं दिखा सका, तब सिपाही हिरनी के बच्चे को पकड़कर उसे अपने साथ ले चलता है। ममता के कारण। ममता का मतलब है संतान के प्रति माँ का प्यार। ममता के कारण हिरनी घोड़े के पीछे पीछे चलने लगे। अब हिरनी क्या कर रही है, घोड़े के पीछे पीछे चल रही है कि हो सकता है कि शायद छोड़ दे ममता करके। बहुत दूर जाने के बाद सिपाही ने देखा कि हिरनी उसके पीछे पीछे आ रही थी। शुरुआत में सिपाही तो पीछे ध्यान नहीं दिया, लेकिन बहुत दूर चला गया तब देख रहा है कि हिरनी भी उसके पीछे पीछे आ रही है। तब उसको उस हिरनी पर ध्यान गया और उसके ममता कारण उस बच्चे को छोड़ दिया। उसे हिरनी पर दया आ गई। इस पर आ गई दया हिरनी पर और उसने बच्चे को छोड़ दिया। दया करके हिरनी के बच्चे को हिरनी को वापस कर दिया, छोड़ दिया। बच्चे को पाकर हिरनी प्रसन्न हो गई। प्रसन्न का मतलब है खुश हो गई हिरनी और प्रसन्न हो गई, और हिरनी के बच्चे को साथ लेकर के हिरनी वापस जंगल में चल गई। और इस प्रकार से सिपाही किसी भी चीज का शिकार नहीं कर पाया और वह वापस अपने घर आया। उस रात सिपाही ने सपने में देखा कि एक देवदूत उससे कह रहा है। देवदूत का मतलब होता है देव का संदेश देने वाला देवदूत। तो देवदूत है, उसे कुछ सपनों में कह रहा है। इसने ऐसा दया करके हिरनी के बच्चे को छोड़ दिया था, इस कारण देवताओं ने ऐसा संदेश भेजा और उसके सपनों में देवदूत आया। सपने में देवदूत आया और कहता है, तूने आज एक असहाय पशु पर दया की है, इसलिए खुदा ने तेरा नाम बादशाह की सूची में लिख दिया है। तू
एक दिन अवश्य बादशाह बनेगा। असहाय का मतलब होता है जिसकी सहायता करने वाला कोई न हो, बेसहारा उसको कहते हैं असहाय। असहाय मतलब बेसहारा, जिसकी सहायता कोई नहीं करता है उसको कहते हैं असहाय। तो जब सिपाही हिरनी के बच्चे को को छोड़ दिया और हिरनी पर दया किया, इस कारण ये कहा गया कि असहाय पशु पर भी दया करती। हिरनी को तो सहायता नहीं कर पाता, लेकिन हिरनी पर भी दया कर दिया ममता के कारण। इसलिए खुदा ने यानी भगवान ने गॉड ने तेरे नाम बादशाह के सूची में भी लिख दिया, कहा था कि ये भी बादशाह बनेगा। इसलिए एक दिन अवश्य, अवश्य मतलब जरूर बादशाह बनेगा। सिपाही का सपना सच हो गया। वह जो सपना देखा था, देवदूत जो आए थे उसने कहा था कि एक दिन अवश्य बादशाह बनेगा, और यह सपना सच हो गया। वह उन्नति करता हुआ सिपाही से बादशाह बन गया। तो यह है दया का फल। दया किया हिरनी के ऊपर तो भगवान ने भी, खुदा ने भी उसकी सहायता किया, और दया का फल का परिणाम ये हुआ कि वह सिपाही से बादशाह बन गया। अब हम प्रश्नोत्तर करेंगे। दया का फल इस पाठ में मौखिक प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो है, बादशाह पहले क्या था? इसका सही जवाब है, बादशाह पहले सिपाही था। क्या था? सिपाही था। बादशाह पहले सिपाही था। दूसरा क्वेश्चन है, सिपाही को किसका शौक था? सही जवाब है, सिपाही को शिकार का बहुत शौक था। अगला क्वेश्चन है, सिपाही को किस पर दया आई थी? का सही जवाब है, सिपाही को हिरनी पर दया आई थी। हिरनी पर दया आ गई। अब लिखित प्रश्न के उत्तर है, प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न है, क शिकार हाथ न लगने पर सिपाही ने क्या किया? तो पहला का सही जवाब है, शिकार हाथ न लगने पर सिपाही ने लौटते समय हिरनी का छोटा बच्चा को पकड़ लिया। खा क्वेश्चन है, सिपाही ने हिरन के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? तो क्यों छोड़ दिया था? सही जवाब है, सिपाही ने हिरन के बच्चे को हिरनी पर दया कर छोड़ दिया। हिरनी पर, हिरनी के पर दया करके हिरन के बच्चे को छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है, देवदूत ने सपने में क्या कहा? देवदूत, सही जवाब है, देवदूत ने सपने में कहा कि तूने आज एक असहाय पशु पर दया की है, इसलिए तू एक दिन अवश्य बादशाह बनेगा। अगला क्वेश्चन है, यह कहानी आपको क्या सीख देती है? तो सही जवाब है, यह कहानी हमें जीवों के प्रति प्रेम तथा दया भाव दिखाने की सीख देती है। अब है तीसरा क्वेश्चन, सही उत्तर पर टिक लगाओ। को बादशाह कहाँ राज करता था? सही जवाब है, अरब देश में थी। अरब देश में टिक मरा हुआ है। फिर है क्वेश्चन ख, समय मिलते ही वह कहाँ निकल जाता था? सही जवाब है, शिकार करने, वह शिकार करने निकल जाता था। तो यहाँ पे टिक मार देंगे। क्वेश्चन नंबर ग, सिपाही ने सपने में किसे देखा? तो किसे देखा था? तो देवदूत को, यहाँ पे देवदूत को। तो यहाँ पे टिक मार देंगे। अब आते हैं भाषा से। पहला, ड और ड से बनने वाले दो दो शब्द लिखे। तो ड से डाल, डमरू। झ से झाड़ी, लड़का लड़की। अब आते हैं दूसरा में, दो समान व्यंजनों को एक साथ लिखने से जो नया व्यंजन बनता है उसे द्विवित्व व्यंजन कहते हैं। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, जैसे कक तो पक्का, चक्की। दद संयुक्त है तो गद्दा, गद्दी। इस प्रकार के व्यंजन को कहेंगे द्विवित्व व्यंजन।
द्वित्व व्यंजन हरकारा क्वेश्चन आ गए। इसी प्रकार के कुछ अन्य द्वित्व व्यंजन नीचे दिए गए हैं, इनमें बनने वाले दो दो शब्द लिखो। तो आधा सा पूरा सा है, तो ससा हो गया, तो इससे बनेगा कौन सा, रस्सी लस्सी, तो हो गया सस्ती, ये बनेगा इसका आधा तंत्र है पूरा ना, तो नाना संयुक्त हो गया, तो है गया मनता मुन्नी मन्नत, ये सब बनेगा मन्नत मुन्नी। चचा संयुक्त है तो बच्चा कच्चा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीन में, वजन बदलो, घोड़ा का वजन तो घोड़े, बच्चा का बच्चे, झाड़ी का झाड़ियां, कमीज का कमीजे। अब यहाँ पे दिया गया है कि संज्ञा की परिभाषा है, किसी प्राणी वस्तु स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे हमारे विद्यालय, माँ, पक्षी, पहाड़, दिल्ली, वीरता, मित्रता आदि। यहाँ क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्दों को छांटकर अलग करो। तो संज्ञा बच्चा संज्ञा है, सिपाही भी संज्ञा है, हिरण संज्ञा है, असहाय संज्ञा है, घोड़ा संज्ञा है, पशु संज्ञा है, प्रसन्न संज्ञा है, बादशाह संज्ञा है, तुम संज्ञा नहीं है, यह स्वरनाम है, चलना यह भर्व है, संज्ञा नहीं है। अब आते हैं हमने क्या सीखा, इस कहानी से हमने क्या सीखा। तो पहला है मुख पशु पक्षियों पर हमें दया करनी चाहिए, पहला सीखा मैंने, टीका निशान दे देंगे। प्रकृति की छोटी से छोटी वस्तु का सम्मान करना एवं उसकी रक्षा करना, ये भी सही है, इस भी सीखे हैं, टिक निशान कर देंगे। तीसरा हमने सीखा है हम जैसा व्यवहार प्रकृति और जीव जंतुओं के साथ करते हैं वैसा ही व्यवहार वे हमारे साथ करते हैं, तो ये भी टिक निशान कर देंगे। तो ये सब हमने सीखा। इसके बाद इस चैप्टर में अतिरिक्त पठन करना है आलसी चिंपू और समझदार कालू, ये चित्र कथा है। एक आलसी है चिंपू, चिंपू है, चिंपू क्या है आलसी है, और कालू क्या है समझदार है। चिंपू बंदर है वह आलसी है, और कालू कौवा ये समझदार है, दोनों मित्र थे, दोनों जंगल में रहते थे। एक दिन वे खेल कूद कर अपने अपने घर जा रहे थे कि अचानक बारिश होने लगी। यहाँ पर देखोगे कि चिंपू बंदर है और यहाँ पे कालू मित्र, कालू है सो कौवा है, और दोनों मित्र हैं। और आलसी चिंपू बंदर है सो आलसी है, और कालू समझदार है। फिर यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर वर्षा होने लगी है, बारिश होते ही कालू कौवा झट से उड़कर पेड़ पर जा बैठा। जब बारिश होने लगी तो कौवा तुरंत से उड़ करके पेड़ पर बैठ गई। वह चिंपू बंदर को बारिश से बचने के लिए बुलाने लगा, लेकिन चिंपू बहुत आलसी था, वह पेड़ पर चढ़ना भी नहीं चाहता था, वह बहुत आलसी था, वह वहीं पर ऐसे बैठ के चाहता नहीं था कि पेड़ पर चढ़े, वह आलसी था। तो फिर आगे देखते हैं कि अचानक बारिश बहुत तेज हो गई और चिंपू पेड़ के नीचे बैठा सुरक्षित स्थान के बारे में सोचने लगा। तो यहाँ पर बारिश बहुत तेज होने लगी और यहाँ पर ये पेड़ पर बैठा हुआ है बंदर, और सोच रहा है कि हम कहाँ पर सुरक्षित हो जाए। तो चिंपू दौड़कर एक गुफा के पास पहुँचा था, तुरंत ऐसे दौड़कर एक गुफा के पास पहुँचा। गुफा में देखोगे कि बहुत सारे जीव जंतु हैं, जहाँ वह समय को भीगने से बचा सकता था, किंतु गुफा बहुत से जानवरों और पक्षियों से भरी हुई थी। देखो कि बहुत सारे पक्षी जीव जंतु छिपा हुआ है, इसलिए इसको जगह नहीं मिला। फिर वह दूसरी गुफा की ओर दौड़ा, किंतु वहां भी उससे जगह नहीं मिली। यहाँ पर देखो कि दूसरा गुफा में पहुंचा है तो यहाँ भी जगह नहीं मिला, यहाँ भी पशु पक्षी बहुत सारा था, तो दूसरे गुफे में भी इसको जगह नहीं मिला। अब बारिश और तेज हो गई थी, बारिश अब और तेज हो गई और ज्यादा भीगने लगा बंदर। शाम हो गई थी, अब शाम हो गया था और अंधेरा बढ़ गया था और इसे डर भी लग रहा था। बादल गरज रहे थे, शाम हो गया, अंधेरा हो गया, बादल गरज रहे थे, अब बिजली भी चमक रहे थे। चिंपू को बहुत डर लगने लगा, रात में आदमी मतलब कोई भी ज्यादा डरने लगता है।
चिंपू इधर उधर दौड़ने लगा, किंतु कहीं भी जगह न मिलने के कारण वह उदास होकर पेड़ के नीचे बैठ गया। वह आलसी था, शुरुआत में तो जगह खोजा नहीं। जब ज्यादा मुसीबत घेर लिया, जब ज्यादा वर्षा होने लगी, तब इधर उधर भाग रहा था, लेकिन फिर भी उसे जगह नहीं मिल रहा था, तो पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर है आगे, चिंपू सोचने लगा कि यदि मैं पहले ही अपने लिए छिपने का स्थान ढूंढ लेता तो वह तो इस तरह भीगना न पड़ता। यदि वह पहले रास्ता खोज जगह खोज लेता तो वह भीगना नहीं पड़ता, आलसी नहीं रहता। तब देखो पेड़ के नीचे बैठा हुआ, पानी वर्षा हो रही है। मैंने समय पर अपने लिए कुछ नहीं किया जिसकी वजह से मेरी यह दशा हुई। ठीक है, समय के रहते कुछ नहीं किया, अब शिक्षा क्या है? समय निकल जाने पर पछताने से कुछ नहीं मिलता। जब समय निकल जाता है तो आदमी पछताते रह जाता है और कुछ नहीं मिलता। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे बड़ा मनुष्य का शत्रु कौन सा है? तो आलस। इस चित्रात्मक कथा से समझाया गया है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। अभी एग्जाम का समय है, अगर समय आएगा तो अभी से अगर हम पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ेंगे और हम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो जब एग्जाम लिया जाएगा तब हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम कैसे पढ़ें। तो समय निकल जाने पर कुछ नहीं किया जा सकता है और इसी बंदर की तरह पछताते रह जाओगे। कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। तो इस कहानी के माध्यम से आलसी चिंपू और समझदार कालू के माध्यम से हमें समझाया गया कि हमें आलसी नहीं बनना चाहिए। तो यह था दया का फल का चैप्टर। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।